Ravani here, Bajaj, and welcome to Zoom. Well, as India celebrates its 78th Independence Day, there is no better way to honor the spirit of freedom than through our gripping films. भारतीय सिनेमा में भी कई ऐसी फिल्म्स बनी हैं जिसने ऑडियंस को एंटरटेन तो किया ही है, साथ साथ देशभक्ति की भावना भी जगाई है. Well, these films have also celebrated the bravery of our soldiers and freedom fighters. आज बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जो आप इस इंडिपेंडेंस डे जरूर देखना चाहेंगे. नंबर वन पे है बॉर्डर. वेल, जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी 1997 रिलीज फिल्म बॉर्डर इज अ सिनेमैटिक रिक्रिएशन ऑफ बैटल ऑफ लोंगेवाला ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर. वेल, बहादुरी और देशभक्ति को सलाम करती इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने दमदार अभिनय किया है और हर 90s किड के लिए बॉर्डर फिल्म है काफी खास. इट इज अ टाइमलेस क्लासिक दैट इवोक्स डीप पेट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस. वेल, नंबर दो पर है लगान. साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान, जिसे डायरेक्ट किया है आशुतोष गोवारिकर ने और फिल्म में लीड रोल्स में दिखे आमिर खान और ग्रेसी सिंह. वेल, ब्रिटिश राज और उनके ऑपरेशन से जूझते विलेजर्स की कहानी हु चैलेंज कॉलोनियल रूलर्स टू अ गेम ऑफ क्रिकेट टू अबॉलिश एन अनजस्ट टैक्स. भारत के जज्बे और जोश को सलाम करती इस फिल्म को उस समय ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया. नंबर तीन पर है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसे डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी ने और इसमें अजय देवगन ने निभाया भगत सिंह का किरदार. द फिल्म क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ भगत सिंह, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स. एक यंग रेवोल्यूशनरी की भूमिका में अजय देवगन की एक्टिंग ने सभी को किया इम्प्रेस एंड इस इंस्पायरिंग टेल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड यूथफुल आइडियलिज्म ने यूथ पर छोड़ी एक नई छाप. नंबर चार पर है रंग दे बसंती. वेल, साल 2006 में रिलीज हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी ये फिल्म रंग दे बसंती में आमिर खान, कुणाल कपूर, सिद्धार्थ आर माधवन, शर्मन जोशी, अतुल कुलकर्णी और सोहा अली खान शामिल थे. अ फिल्म विच रेजोनेट्स विद द यूथ, ब्लेंडिंग विद द पास्ट एंड प्रेजेंट इन अ नैरेटिव दैट क्वेश्चंस द स्टेटस क्वो. फिल्म एक सटायर थी बिटवीन द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द पास्ट and the disillusioned youth of today, urging them to stand up for change. Number 5 par hai Swadesh. Saal 2004 mein release hui Shah Rukh Khan starrer film Swadesh, jise direct kiya Lagan ke director Ashutosh Gowarikar ne. And it was based on a NASA scientist Mohan Bhargav who returns to India and rediscovers his roots. अर्बन एंड रूरल इंडिया के भेद को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करती हुई इस फिल्म ने सोशल चेंज को बड़े अच्छे से दिखाया एंड ऑल्सो देश की प्रगति में हमारी जिम्मेदारी और योगदान को भी हाईलाइट किया. नंबर 6 पर है फिल्म राजी. साल 2018 में आलिया भट्ट और विकी कौशल स्टारर राजी वॉज द ग्रिपिंग स्टोरी ऑफ सहमत खान, अ सीक्रेट रॉ एजेंट हु मैरिड अ पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर एज अ पार्ट ऑफ एन अंडरकवर मिशन. डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, इस फिल्म ने ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. नंबर 7 पर है फिल्म शेरशाह. साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह वॉज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू कैप्टन विक्रम बत्रा, द कारगिल वॉर हीरो हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में निभाया कैप्टन बत्रा का किरदार, जो था काफी इंस्पायरिंग और हार्ट रेंचिंग. भारत के इस वीर सोल्जर पर बनी ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर का भी मील का पत्थर साबित हुई. नंबर 8 पर है फिल्म चक दे इंडिया. साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म चक दे इंडिया इज एक्चुअली एन आइकॉनिक फिल्म दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैनशिप. द फिल्म इज अ कंपेलिंग ब्लेंड ऑफ पर्सनल रिडेम्पशन एंड नेशनल प्राइड, शोकेसिंग हाउ यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम चैलेंजेस. और इसी के साथ शाहरुख खान ने इस फिल्म में निभाया कोच कबीर खान का किरदार, जिसने ऑडियंस को किया काफी इंप्रेस. Well, that's it for today. I'm sure इस इंडिपेंडेंस डे आप भी ये फिल्में जरूर देखना चाहेंगे. एंड इसी के साथ अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो Zoom के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट. एंड इसी के साथ वी ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. स्टे ट्यून्ड टू Zoom फॉर मोर अपडेट्स.